देखिए आज लेके आए हैं करेला, जो बहुत ही कड़वा लगते हैं और आपको कैसे लगते हैं। अभी हम लोग बना रहे हैं करेले, और उसको हम लोग ये प्याज थोड़ा अधिक मात्रा में इसको डालिएगा। और ये देखिए हम लोग हल्दी डाल चुके हैं, और इसको हम लोग चला रहे हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग काट लिए हैं, और इसको अच्छी तरह से हम लोग चलाते हैं पहले। ये देखिए छोटे से कढ़ाई में हम लोग बना रहे हैं, ये देख सकते हैं। और इसमें तेल की मात्रा अधिक है, आपको दिख रहा होगा तेल की मात्रा अधिक है इसमें डाले हुए हैं। और इसको हम भुजिया बनाने वाले हैं, बहुत ही कड़वाहटपन लगता है, इसलिए हम इसको अच्छी तरह से बनाते हैं, चलाते हैं इसको। और आपको बताते हैं कि ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इसलिए बीच बीच में कभी कभी आप कड़वापन भी खाना पड़े तो खाइए, और ये बहुत ज़रूरी है अभी सेहत के लिए। और अभी हम लोग बना रहे हैं करेले का सब्ज़ी, आप लोगों को कैसा लगता है आप ज़रूर बताएं। और हम लोग कोशिश करते हैं आपके लिए नए नए कंटेंट बनाने के लिए, आपको सपोर्ट करें। और ये देखिए हम लोग इसमें ये क्या है, अभी हम सिर्फ करेले का सब्ज़ी बनाए हैं, और सबसे पहले सरसों का तेल डाले हुए हैं, और थोड़े से प्याज डाले हुए हैं, और इसको अच्छी तरह से इसको भून रहे हैं, और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के अच्छी तरह से इसको भुजिया बना रहे हैं। और इसके साथ साथ क्या बन रहा है वो भी दिखाएंगे आपको। इसके साथ हम लोग बना रहे हैं चावल, ये देखो इसके बगल में हम लोग चढ़ाए हुए हैं, चावल भी बन रहा है, ये देख सकते हैं। इसके साथ चावल भी बन रहा है, और उसके साथ साथ हम लोग देखिए दाल भी बना के रेडी कर चुके हैं, ये देख सकते हैं दाल भी बना के रेडी कर चुके हैं। और उसके साथ साथ आपको दिखा रहे हैं हम लोग गोभी का सब्ज़ी बना रहे हैं, गोभी आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं। उसके साथ साथ ये देख सकते हैं ये भी बन रहा है, और हम लोग करेले का भुजिया भी बना रहे हैं, ये भी देख सकते हैं। अब इसको हम लोग अच्छी तरह से पकने देते हैं, और इस भुजिया को इस तरह से छोटे से जगह है, स्पेस है, इसलिए थोड़ा तो चलाने में थोड़ी दिक्कत हो रहा है। अभी इस तरह से आप करेले की सब्ज़ी बना सकते हैं, इसमें आप छोटे छोटे आपको सब्ज़ी कम हो रहा हो ये तो आप इसमें आलू भी ऐड कर सकते हैं छोटे छोटे पीस में भुजिया बनाने के लिए। इस तरह से आप कटिंग कर ले अच्छी तरह से छोटे छोटे, और इसको एक साथ ही दोनों को बनाएं, करेला और ये दोनों। और आपको तीखापन ज़्यादा लगे या कड़वापन ज़्यादा लगे तो प्याज का मात्रा अधिक कर दें, और प्याज का मात्रा अधिक कर दीजिएगा तो आपको जो खाने में जो कड़वापन हो लगता है वो बहुत ही कम हो जाएगा, और आपको एहसास भी नहीं होगा कि आप करेला खा चुके हैं। और रोटी के साथ भी खाएंगे तो आप कड़वापन अधिक लगता है, और चावल के साथ खाने से थोड़ा सा कम लगता है। पर हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए कुछ नया नया ले खाएँ, और अभी आपको ही दिखा रहे हैं कि कड़वापन को कम करने के लिए प्याज का मात्रा आप लोग अधिक करना पड़ेगा, और इसको अच्छी तरह से भूनना पड़ेगा। और इसको अच्छी तरह से भूनने दीजिएगा तो आपको खाने में अच्छी लागने अच्छे लगते हैं, और ये पकने में थोड़ा सा समय लगता है भुजिया बनाने में। थोड़ा इसमें भुजिया में सरसों का तेल थोड़ा सा अधिक लगता है, क्या है कि कोई भी भुजिया में आपको तेल का मात्रा अधिक डालना पड़ेगा। इसको अच्छी तरह से हम लोग पकने देते हैं, इस तरह से इसको भुजिया बना रहे हैं, और इसको फिर से चलाते हैं, इसको थोड़ी सी देर में चलाते रहना पड़ता है। देख चारों तरफ पकाना जरूरी रहता है, एक तरफ पकेगा तो ठीक नहीं, लेकिन चारों तरफ पकना रहता है, इसीलिए इसको अच्छी तरह से हम लोग चलाते हैं। और इसके साथ हम लोग गोभी की सब्ज़ी बना रहे हैं, इसको भी देख लेते हैं, ये देखिए भी पक रहा है, आलू पका नहीं है, इसको ढक देते हैं अच्छी तरह पकने के लिए, पका नहीं है अच्छी तरह पकने के लिए। चावल भी पक रहा है, ये देख सकते हैं चावल में थोड़ा पानी की कमी हो रहा है, वो लग रहा है, इसमें पानी थोड़ा सा डालेंगे। ये देखिए दोस्तों हम लोग इसको अच्छी तरह से चल इसको भूनते हैं, और थोड़ा सा हम इसको ढक भी देते हैं तो अच्छी तरह से पके। और ये देखिए हम लोग भुजिया बन रहे हैं, इसको अच्छी तरह से हम लोग चलाते हैं, ये देखिए हम लोग अच्छी तरह इसको चला लेते हैं, इसको थोड़ी देर हम लोग इसको ढक देते हैं अच्छी तरह से पकने के लिए। देखिए भुजिया का कलर आपको देख रहे हैं थोड़े थोड़े चेंज हो रहे हैं, और ये कुछ कुछ ये देखिए ये हरा हरा दिख रहा है, ये भी पकेगा, ये भी पकेंगे पकेंगे और ये अच्छी तरह से पकेंगे, और बहुत सारे पक गए हैं और पकना बाकी है। उसके बाद इसको अच्छी तरह से पूरा चटपटा बनाने के लिए इसको अच्छी तरह से हम लोग भूनेंगे, जितना अच्छा से भूनिएगा खाने में उतना ही टेस्टी लगेगा। और हम लोग कोशिश करते हैं अच्छी तरह से इसको भूने,
जो खाने में परिवार वाले को सबको अच्छे लगे, इसीलिए अच्छी तरह से इसको भूने, अच्छी तरह से भून ले उसके बाद ही टेस्टी अच्छे लगते हैं। इसको हम लोग इसको रखते हैं चटुआ की इस तरह और ढक्कन इसको हम लोग ढकते हैं इसको इस तरह से। इसमें हम पर इसी भी डालते हैं और उसके बाद इसको ढकते हैं, हाँ ढक देते हैं थोड़ा सा पकने के लिए। अब हम लोग कल नए वीडियो के साथ मिलते हैं।